तेरे होठों पे कभी मेरा कहा आ जाए, मैं अगर चुप रहूं फिर भी सदा आ जाए। क्या तुम मुझसे मंगनी और बाद में शादी करोगे? अभी क्या याद करें। हाँ आपकी शादी हो गई? आपसे मतलब? आई एक्चुअली लाइक हर, तो मुझे आपका नंबर मिल सकता है? कहते हैं पहले बच्चे की शक्ल ना अपने अप्पा पर जाती है, लेकिन ये तुम्हें कुछ जैसा। सायरा की बच्ची चुप कर, बहुत बदतमीज हो तुम। यूं चुपके से बाहर आ जाए। तो मैं तुम्हें गोद में उठा के छत से नीचे फेंक दूंगी। मुझे लगी कि तुम स्टील का बना हो। अच्छा जी, वैसे सबको मेरा प्यारा भाई मिलता है हर वक्त काम करने के लिए। तुम जैसे प्यारा कह रही हो, मैं चाह रही इसके मुंह पे मुक्का मारूंगा लो सकते। अच्छा हम आइसक्रीम खानी? यस। चलो वहां से पैसे लो और लेकर आओ आइसक्रीम। खेल रहा है? हाँ। अल्लाह ने तुम्हें ये तोहफा दिया है। इसके हाथ देखो, इसके पैर देखो, कितने छोटे छोटे से हैं। अम्मी होती तो कितना खुश होती ना। हाँ वो होती तो खुशी से पागल हो जाती। फिक्र मत क्या करो, वो यहीं कहीं है, हमें देख रही है। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, वो यहीं तो है हमारे पास, हमें देख रही है। एक बात बोलूं सारा? हाँ बोलो। तुम्हें लगता है कि जब अम्मी का इंतकाल हुआ तो वो तुमसे नाराज थी, लेकिन अगर तुम ये मानती हो कि वो यहीं हैं, हमारे साथ हमें देख रही हैं, तो तुम उन्हें खुश करने के लिए कुछ करती क्यों नहीं? क्या मतलब? तुम्हें याद है अम्मी जाते जाते मुझसे तुम्हारे बारे में क्या कहकर गई थी? अच्छे से करो। तुम कहना क्या चाह रही हो? देखो फारूक अच्छा लड़का है। फारूक? तुम उसे कहाँ मिली? देखो गुस्सा नहीं करना, उस दिन जब तुम चली गई थी तो मैंने उसे अपना नंबर दिया था, उसने मुझसे फोन पे बात की है। वो अच्छा लड़का है, तुमसे शादी करना चाहता है। शादी? उसने मुझसे पूछे बगैर मेरा रिश्ता मांग लिया। नंबर दे रहा जरा मुझे इसका। ओहो अच्छा, ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं, वो बाहर पला बड़ा है इसलिए उसने खुद बात कर ली, और वो तुमसे तुम्हारी मर्जी तो पूछ रहा है बस। तो तुम उसे बता देना कि मेरी उससे शादी करने में कोई मर्जी नहीं है। तुम्हें तो उसे गालियाँ देनी चाहिए थी यार। मैं उसे गालियाँ क्यों दूंगी भला? सीधा साधा लड़का है, जो उसके दिल में था उसने कह दिया, तुमसे मर्जी पूछी है खाली। तुमने उसे क्यों नहीं बताया कि मेरी मंगनी हो चुकी है? तुम्हारी मंगनी खत्म हो चुकी है और ये मैंने उसे बता दिया। सब कुछ बता दिया, ये भी बता देती कि मुझे खाने में क्या पसंद है। हाँ पर उसने पूछा ही नहीं। वो पूछता तो शायद तुम ये भी बता देती, है ना? फारूक से शादी करने में क्या बुराई है सायरा? क्योंकि साकिब से मेरी जुदाई वक्ती है, मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत साकिब है बस। वो तो बस तुम्हारी मर्जी पूछ रहा है ना। तुम देखना एक दफा मुझे मिल जाए फिर उसे बताऊंगी अपनी मर्जी में। सारा मेरी बात तो सुनो। देखा तुमने तुम्हारी खाला जान को कितना गुस्सा आता है। नाराज है? अच्छा आई एम सॉरी। इट्स ओके, तुम जाओ।
रुख तो सीधी पकड़ ले। I'm sorry साकिब, मुझसे गलती हो गई। साकिब, तुम लड़कियों का मसला क्या है? बहुत शौक होता है तुम लोगों को मजलूम बनने का। तुम्हें क्या लगता है तुम लोगों से मासूम इस दुनिया में और कोई पैदा नहीं हुआ कभी? जो मुंह में आता है बोल देती हो, दूसरे के भी जज्बात होते हैं, दूसरे का भी दिल होता है, दूसरा शख्स भी हर्ट हो सकता है। साकिब, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बात सुन के मैं बहुत खुश हुआ? ऐसी बात नहीं है साकिब, आपको पता नहीं है कि आपसे ज्यादा तकलीफ मुझे होती है आपसे ये बात पूछते हुए। मैं सायरा को बचपन से जानती हूँ, वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरी आपसे शादी हो। मेरा दिल नहीं मान रहा। शफक, तुम्हारा मसला पता क्या है? तुम बहुत कंफ्यूज हो, हर मामले में कंफ्यूज रही हो सारी जिंदगी, कि तुम्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं अच्छा लग रहा, हमेशा एक कंफ्यूजन रही है। अब जब तुमसे कोई मोहब्बत कर रहा है तो तुम्हें उसमें यकीन नहीं आ रहा, यही प्रॉब्लम है तुम्हारा। एक बात याद रखना शफक, सायरा के बाद मुझे ऐसा लगता था कि मैं खुद को संभाल नहीं पाऊंगा, लेकिन अब मैं संभालने लगा हूं। मैंने तुम्हारे साथ जिंदगी को एक नए रूप में देखा है, इंतहाई मासूम सादा और बेलौस जिंदगी। और जब मैं संभालने लगता हूं तो तुम कोई ऐसी बात कर देती हो कि मुझे खुद पर अपनी मोहब्बत पर शक होने लगता है कि शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूं या मैं ही खुद गर्ज हूं। Really sorry, साकिब, मुझे नहीं पता था कि आप मेरे से इतना प्यार करते हैं। मैं अब आपको कभी हर्ट नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। और एक और फायदा हो गया मेरा, कम से कम आज खुलकर आपने मोहब्बत का इकरार कर लिया मुझसे, वो सब कह दिया जो मैं सुनना चाहती थी। हेलो मायरा। वसीम भाई, बेबी शैम्पू खत्म हो गया, वो लेते हुए आइएगा। मायरा बात कर रही है? आप कौन? जी मैं फारूक बात कर रहा हूँ, आपने मेरा नंबर सेव नहीं किया था। अच्छा, तो आप है फारूक? मैं सायरा बोल रही हूँ। ओह ग्रेट, शुक्र है आपसे बात हो गई। अच्छा, वो शाम में क्या कर रही हैं आप? बहुत ही वाहियात इंसान है आप, बजाय इसके कि आप मुझे सॉरी बोले आप उल्टा। Excuse me, easy। देखिए, मेरे बात करने के तरीके से शायद आपको लगा हो मैं कोई गलत आदमी हूँ, लेकिन मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ आपसे मिलना चाहता हूँ। क्या जरूरत थी मायरा से मेरी इतनी इंक्वायरी करने की? देखिए, मैं पूछने में इतना इंटरेस्टेड नहीं था, वो बताने में ज्यादा थी। उसको तो मुसीबत है बातें करने की, लेकिन आपने फोन क्यों किया? वो तो मैं आपको मिलकर बताऊंगा। अजीब आदमी आप, फजूल में मेरे गले पड़ रहे, आप अभी मुझे जानते नहीं है। जानना ही तो चाहता हूँ, आप एक बार मिलने मुझसे। अच्छा तो ठीक है, घर आ जाएं आप हमारे। नहीं नहीं, घर पे नहीं, कहीं और मिलते हैं, कहीं बाहर मिलते हैं। बाहर? आपका दिमाग तो ठीक है, मैं अकेली बाहर नहीं निकलती। अकेली? अकेली क्यों होंगी आप, मैं होऊंगा ना आपके साथ। फजूल में क्यों चिपक रहे हैं, मसला क्या है आपके साथ? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप मुझसे नहीं मिलेंगी ना तो मैं आपको ऐसे ही तंग करता रहूंगा। यही बात सुने आप, मुझे ना ज्यादा प्रेशराइज करने की जरूरत नहीं है, मैं डरती वरती नहीं हूँ किसी से। मैं आपको नहीं जानता हूँ तो आप भी मुझे नहीं जानती, बहुत सर पे रहा हूँ मैं। देखिए, अगर आपने मुझसे कोई बेतुकी बात की ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं, मेरा दिमाग आजकल वैसे घूमा हुआ है। नहीं नहीं, आई प्रॉमिस मैं आपसे कोई उल्टी सीधी बात नहीं करूंगा, बस एक बार मिल लें मुझे। ठीक है, तो फिर बताइए कहाँ आना। आपने वो मॉल देखा? Thank you.
आइए ना प्लीज बैठिए। I'm sorry, मैंने कॉफी ऑर्डर कर लिया अपने लिए, आपके लिए करूं? नहीं, कोई बात नहीं। खाना तो खाएंगे आप। Excuse me. Please. मैं ऑर्डर करूं आपके लिए कुछ? मैं यहाँ पे अक्सर आता हूँ। I know the food. क्या लेंगे आप? Beef, chicken, chicken. Girls like chicken. Okay. टेरागॉन चिकन लेता हूँ आपके लिए और एक चिकन श्रिंप कर लेता हूँ। मोरक्कन चिकन बहुत मज़े। एक्सक्यूज मी, इतना सब कुछ मंगाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा हो जाएगा। अच्छा मैम के लिए एक मोरक्कन चिकन दीजिए प्लीज। आप ड्रिंक में क्या लेंगे? कोई स्मूदी? स्ट्रॉबेरी स्मूदी कर दें प्लीज। अच्छा मेरे लिए तो आप डिनर में स्टेक कर दें और ड्रिंक में कुछ भी डाल के। शफक तुम अभी तक यहीं बैठी हो, चलो उठो, लेट्स गो। कहाँ? कहाँ तो था, बाहर घूमने चलते हैं। उठो। अभी? Of course, अभी, right now. मतलब आपने मुझे माफ कर दिया? बिल्कुल कर दिया, चलो अब उठो। अच्छा मैं तैयार हो गया। तैयार होने की जरूरत नहीं है, बस चलते हैं, आ जाओ। अच्छा दो मिनट में आ रही हूँ, दो मिनट। कुछ बोले ना आप? तो कुछ बोल ही नहीं रहे। बोल इसलिए नहीं रही क्योंकि आप मुझे सामने बिठा के घूर रहे हैं। हद हो गई है, लड़की को सामने बिठा के इस तरह कोई घूरता है? I'm sorry. आप कुछ बोल ही नहीं रही थी तो मैंने सोचा कि आपने सोचा कि चलो घूरते हैं। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। आप करती क्या है? इतना फजूल सवाल करके मेरा वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ आप मुझसे शादी करने के चक्रों में हैं। वाओ, मुझे लगा कि एक घंटा लगेगा मुझे इस पॉइंट तक पहुंचने। आपने तो मेरी हेल्प कर दी। थैंक्स। किस बात का थैंक्स? देखिए मैं आपको बता दूं, मैं आपसे शादीवादी नहीं करने वाली। देखिए आप प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। एक बहुत अच्छी फर्म में जनरल मैनेजर हूँ। अल्लाह का दिया सब कुछ है मेरे पास, घर, गाड़ी। जॉब करने की जरूरत नहीं है मुझे, इसलिए सोचा कि बिजनेस कर लूं। लेकिन किसके लिए? कोई है ही नहीं लाइफ में। बहुत अकेला महसूस करता हूं मैं आपको। तो ये आप सब मुझे क्यों बता रहे? क्योंकि आप मुझे उसी दिन पसंद आ गई थी जिस दिन मैं शफक के घर आया था। शफक की मम्मी ने बताया कि आपकी एंगेजमेंट हो चुकी है। यकीन करें इतना दुख हुआ कि बता नहीं सकता। फिर पता चला कि आपकी एंगेजमेंट खत्म हो गई और जितनी खुशी उस वक्त हुई वो ध्यान से बाहर। मेरी एंगेजमेंट टूटने से आपको खुशी हुई? जाहिर है, इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो मुझे पसंद आते हैं। मैं चाहता हूँ कि वो सिर्फ मेरे पास रहे। मेरे मंगेतर से ही हो रही है शफक की शादी। जी जानता हूँ। ये भी आपको? जी मायरा नहीं बताया। लेकिन इसमें बुराई ही क्या है? वो तो असल में आपसे मोहब्बत करता ही नहीं था, जब भी तो किसी के भी साथ चला गया। आप क्यों उसके गम में खुद को बर्बाद कर रही हैं? देखिए मैं यहाँ आपसे कोई मशवरा मांगने के लिए नहीं आई और ना ही बेहतर मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब देखने के लिए आई। मैं पहले बहुत परेशान हूँ। मैं भी आजकल काफी परेशान रहता हूँ, लगता है किसी से मोहब्बत कर बैठा। अगर आपको मोहब्बत हुई है तो ये आपका मसला है, मेरा नहीं। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है। थैंक यू जी। आप देखिए, हो सकता है मेरा तरीका कुछ ऑकवर्ड हो लेकिन मैं वाकई आपसे मोहब्बत। मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। सुनिए, मेरे पास आपकी पूरी बात सुनने का बिल्कुल भी वक्त नहीं। बात सुने,
देखिए एक एक मिनट मेरी बात तो सुन लें प्लीज। क्या मतलब है आपका? आप रोड पे भी मेरा पीछा करेंगे? अब आप रोड पर हैं तो इसमें मेरा भी कसूर है। अच्छा सुने, मैं आपको घर ड्रॉप कर दूं, बस पे जाती तो बुरी लगेगी ना। ताकि आप मेरा घर भी देख लें। वेरी स्मार्ट, वीडियो विद प्रेमा। अच्छा चले आए ना, मेरी गाड़ी बिल्कुल सामने ही आई है। ये आपकी गाड़ी है? फिलहाल तक तो मेरी है, आप चाहें तो हमारी भी हो सकती है। प्लीज आइए आइए ना, प्लीज प्लीज। कितने सारी शेड्स हैं मेरे पास, लेकिन लगाने को समझ नहीं आती कि क्या लगाऊं। खरीदने जाओ तो हर शेड खूबसूरत, और जब लगाती हूँ तो समझ नहीं आती। खैर इनका भी क्या कसूर, मुझ पे कोई शेड अच्छा लग ही नहीं सकता। खुद को कभी मेरी नजरों से देखो, फिर तुम्हें अंदाजा होगा कि तुम कितनी प्यारी। क्या हुआ, कलर चूज करने में प्रॉब्लम हो रहा है? समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा शेड लगाऊं। सभी अच्छे लगते हैं, बस खामखा इतना सोचते तुम। यहाँ रखो, एक काम करो, आंखें बंद करो। आंखें बंद करो ना। अच्छा अब देखो, जिस पे भी हाथ आएगा वही शेड लगाना होगा, ठीक है? रेड आया तो मैं नहीं लगाऊंगी। वो भी अच्छा लगता है यार। ये लो, ये आ गया, ये लो। क्या प्रॉब्लम है इसमें? ओके अच्छा तो लग रहा है यार। ऑफ कोर्स, चलो चलें। आपको शायद अच्छा नहीं लगा मैंने आपको इस तरह बुलाया। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, दरअसल मैं कुछ परेशान थी। लगता है आपकी बहुत अच्छी जॉब है। जॉब नहीं, मेरे बॉस बहुत अच्छे हैं, मैं बेटों की तरह प्यार करते हैं। इनफैक्ट ये गाड़ी भी उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी, बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। इतनी बड़ी गाड़ी गिफ्ट कर दी? ये गाड़ी तो कुछ भी नहीं है, इस दफा जो डील कर रहा हूँ ना मैं, उसके लिए मेरे बॉस मुझे दुबई में फ्लैट गिफ्ट कर रहे हैं। और मेरा कोई इतना ज्यादा लंबा चौड़ा काम भी नहीं होता, मुझे डील फाइनल करनी होती है, प्रॉफिट बॉस को जाता है और मुझे मेरा गिफ्ट मिलता है। बहुत अच्छे होंगे आपके बॉस। अच्छे का लफ्ज़ बहुत छोटा है उनके लिए। तो बताए माशाल्लाह हाउ रिच ही इज, उनके घर में उनका अपना हेलीपैड है। आ रहे होते हैं ना तो उनकी इतनी एलिगेंट पर्सनैलिटी है, पता चलता है कोई बंदा आ रहा है। बहुत इंप्रेस रखते हैं आप अपने बॉस से। इंप्रेस? वो हैं ही ऐसे। तो मतलब अगर मैं उनकी बातें शुरू कर दूँ ना, पूरा दिन खत्म हो जाए उनकी बातें खत्म ना हो। बड़ा पर्सनालिटी। लगता है आपको मेरी बातें पसंद नहीं आई, या फिर मैं ही पसंद नहीं आया। देखिए मैं किसी और को पसंद करती हूँ। और आप उसे पसंद करती हैं लेकिन वो आपको पसंद नहीं करता। मतलब इतनी आसानी से वो कैसे छोड़ के जा सकता है आपको? सुने क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपने दिल की सारी बातें आपसे कर दूं और आप अपनी सारी बातें मुझसे कर दें? आई मीन वी कैन बी बेस्ट फ्रेंड्स, नहीं? दिस इज माय कॉल, आप जब चाहें मुझे कॉल कर सकते हैं। आई विल वेट फॉर योर कॉल।
बस यहीं रोक दें। क्या हुआ? आपको कोई बात बुरी लगी मेरी? नहीं नहीं, अब मेरा घर यहीं आसपास में ही है। तो चले ना, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ घर तक, नो प्रॉब्लम। नहीं ऐसी बात नहीं है, ये गलियां आपकी गाड़ी के लिए बहुत तंग हैं। ठीक है, मैं आपकी कॉल का वेट करूंगा। ठीक है। तेरी होठों पे कभी मेरा कहा आ जाए, मैं अगर चुप रहूं फिर भी सदा आ जाए। लम्से खुशबू ड्रिप से इनको काफी फायदा हुआ है, इससे इनको नींद भी ज्यादा आएगी और इनके जो रिपोर्ट्स हैं कल आप मेरे क्लिनिक से ले सकती हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, इस तरह अचानक चकरा के गिर गए क्यों? रिलैक्स, आप इनकी हालत जानती हैं, इनको इतना भागना दौड़ना नहीं चाहिए, इससे इनके दिमाग पर जोर पड़ता है। लेकिन अभी तो थोड़ा बहुत चलना फिरना शुरू किया है, वरना तो अपने कमरे में ही बंद रहती थी, कैसे मना करूं इसे? इन सब चीजों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। सब इनके पास कितना है? साकिब, प्लीज ये मत पूछो, मैं सुन नहीं सकूंगी। अच्छा, आप बैठिए, मैं इनको गाड़ी तक छोड़ के आ जाइए। डॉक्टर साहब, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। देखिए, यकीन से तो मैं नहीं कह सकता, 8 माह ज्यादा 1 साल। बेहतरी के चांसेस नहीं हो सकते बिल्कुल। देखिए, अगर हमने इनको ऑपरेट किया उसे ये पैरालाइज भी हो सकती है। डॉक्टर साहब, हम लोग सेकेंड ओपिनियन लेना चाह रहे हैं, बाहर यूरोप में, यूएसए में, कहीं पे कुछ तो इलाज होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, दुनिया भर में इलाज हो सकता है, मैं उनकी डिटेल्स आपको भिजवा दूंगा, आप उनसे कॉन्टेक्ट कर लें। थैंक यू डॉक्टर साहब, आइए प्लीज। थैंक यू। कोई भूत नहीं है, मैं हूँ। यार ये कोई तरीका है उठाने का किसी को? झूठ बोलोगी ना तो ऐसे ही होगा, समझी? मैंने क्या झूठ बोला है? क्या मतलब है? तुम कल मुझसे क्या बोल कर गई थी कि मैं शफक के घर जा रही हूँ? हाँ तो मैं तो शफक। फिर झूठ? फारूक ने मुझे सब बता दिया। बेटा बहुत ही हल्का है, सब कुछ बता दिया। सब कुछ तो नहीं बताया, तुम बताओगी ना?
कुछ खास नहीं, बस अपने पैसे की बहुत भरम कराया था, पैसे की कम बॉस के साथ। इसका मतलब कि वो भी पैसे वाला है? मगर मैंने तो उसे साफ साफ कह दिया कि मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुमने इसे ये क्यों कहा? और किससे? साकिब से मोहब्बत करती हो तो? अगर तुम्हें साकिब से मोहब्बत होती ना तो तुम उसे अपने आप से कभी अलग नहीं होने देती। वो तुम्हारी जिंदगी में बस एक जुगनू की तरह आया था। वो बहुत अच्छा लड़का था सायरा, और सबसे बड़ी बात ये कि वो तुमसे मोहब्बत करता था, लेकिन तुमने उससे कभी मोहब्बत नहीं की। और अब मुझे यकीन है कि वो वापस नहीं आएगा। वापस नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? वैसे भी एक साल में शफक तो मरने ही वाली है। मत करो ऐसी बातें सायरा, तुम्हारे मुंह से ये सब कुछ सुनकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। किसकी मौत कब और कैसे लिखी है किसी को क्या पता भला। फारूक बहुत अच्छा लगता है, तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? साकिब और शफक को छोड़ दो, वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। तुम आराम और तसल्ली के साथ फारूक के बारे में सोचो, समझी? उठो। हेलो। हाँ शफक, कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ। सुनो, तुमसे एक बात करनी है। हाँ बोलो। अगले हफ्ते मेरा और साकिब का निकाह है। इतने अचानक? हाँ, मामा को शायद डर है कि साकिब हाथ से निकल जाएगा। मजाक कर रही हूँ, एक्चुअली वो चाहती है कि शादी जल्द से जल्द हो जाए। कोई मेहंदी वेहंदी नहीं करे, सिर्फ रुखसती और वलीमा। ये तो बहुत अच्छी खबर है। अच्छा तो बस अब जल्दी से मेरे घर पहुंचो। मैं? हाँ तो और कौन? मुझे मेहंदी कौन लगाएगा? अच्छा बस तुम जल्दी से आ जाओ। लेकिन मैं? कोई लेकिन वेकिन नहीं, फजूल बहाने करने की जरूरत नहीं है। प्लीज जल्दी आओ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ठीक है मैं आती हूँ। बाय। साकिब ने इतनी सारी शॉपिंग करवा दी और देखो मामा ने सारे किए किराए पर पानी फेर दिया। कोई बात नहीं, शादी तो हो रही है ना तुम्हारी। क्या हुआ, कुछ कहना चाह रही हो? हाँ लेकिन समझ नहीं आ रही कि कैसे कहूँ। क्या हुआ, सब ठीक है? तुम जानती हो मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया? फोन पे तो मेहंदी का कहा था, अब सच बताओ क्या बात है? तुम प्रॉमिस करो कि तुम साकिब से कोई बात नहीं करोगी। नहीं कहूंगी शफक, सब ठीक है ना? सायरा जैसे जैसे शादी करीब आ रही है मैं बहुत इनसिक्योर फील कर रही हूँ। क्यों? मैं जानती हूँ कि तुम साकिब की पहली मोहब्बत हो, और आप कुछ भी कर लें पहली मोहब्बत को नहीं भूल सकते। तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, मेरा बस एक काम कर दो। कहो। तुम आइंदा यहाँ मत आना। यानी तुम्हें अब मुझसे खतरा महसूस हो रहा है? सारा प्लीज बुरा मत मानना, लेकिन जब साकिब तुम्हें देखते हैं ना या तुमसे बात करने की कोशिश करते हैं तो मुझे लगता है तुम उन्हें मुझसे छीन लोगी। मुझे तुमसे खतरा नहीं है, लेकिन मैं कोई और नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकती सायरा। मैं डर जाती हूँ इस खौफ से कि साकिब मेरे पास नहीं रहेंगे। तुम खुदा के लिए हमारी जिंदगी से चली जाओ। देखो अगर मुझे साकिब से ही शादी करनी होती तो मैं उसे यहाँ क्यों लेकर आती? मैं जानती हूँ सायरा, लेकिन मेरा दिल ये बात नहीं मानता। तुम बहुत खूबसूरत हो और मुझे इसी बात से डर लगता है। शफक तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं नहीं छीन रही तुम्हारे साकिब को। वो हमेशा से तुम्हारा था और तुम्हारा ही रहेगा। क्या मेरा कहना ये काफी नहीं है कि तुम किसी दूसरे से अपने प्यार की भीख मांग रही हो? साकिब ऐसा नहीं है, मैं तो उससे बस। मैंने सब कुछ सुन लिया,
कुछ मत बताओ मुझे। और तुम इस लड़की से क्या तवक्को कर रही हो? इसको क्या मालूम कि प्यार मोहब्बत और दोस्ती होता क्या है? ये कुछ नहीं जानती, ये जानती तो सिर्फ अपने बारे में। इसको सिर्फ अपने बारे में सोचना आता और किसी के बारे में नहीं सोचती। इसने तो मुझे उस वक्त छोड़ दिया जब मुझे इसकी जरूरत थी। हर जगह मेरी जिंदगी का फैसला क्या तुम करोगे? मेरी बात सुनो सर, ये मेरी जिंदगी और इसका फैसला भी अब मैं खुद करूंगा। मैंने कुछ नहीं कहा, इसने मुझे बुलाया है यहाँ। तो अब यही तुम्हें कह रही हूँ यहाँ से जाने का। जो निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से भी और मेरी जिंदगी से भी। मैं शफक को किसी वजह से भी अब परेशान नहीं देख सकता। और मुझे देख सकते हो? नहीं, अगर तुम कभी परेशान हुई तो तुम्हें कभी देखने नहीं आऊंगा। जिस तरह तुमने कभी मुझे नहीं पूछा जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी, तुम आई मुझे पूछने? बोलो तो तुमने मुझे कौन सा पलट के पूछ लिया था? मजे तो तुम्हारे आए हैं ना। गुर्बत के मारे घर में तो मैं पड़ी हुई थी। गाड़ी और बंगला तो तुम्हें मिला ना। क्या तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ गाड़ी और बंगला ही है और कुछ नहीं है? तो और चाहिए क्या होता है? आप लोग लड़ क्यों रहे हैं? सारा तुम प्लीज चली जाओ। जा रही हूँ पर अपनी बेइज्जती याद रखूंगी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे प्यार में जोगन बन जाऊंगी मैं? रिश्तों की कमी नहीं है मेरे पास, देख लूंगी तुम्हें। सायरा नाम है मेरा। तुम सही कह रही थी, वो बदल जाएगा और वो बदल गया। तुम ही ने मजबूर किया है उसे बदलने पर। वो बेचारा और क्या करता, जहाँ उसे हमदर्दी और प्यार मिला वो चला गया। और वो शफक आज मुझसे कह रही कि मैं उसके और साकिब के बीच में ना आऊं। अभी मैं जाके सबको बता दूंगी ना कि मरने वाली है। रहम खाकर भीख में दिया था मैंने साकिब उसे, तो होश ठिकाने आ जाएंगे उसके। बस करो सायरा, खुदा के लिए उन दोनों को उनके हाल पर छोड़ दो, अपने बारे में सोचो चंदा। अच्छा हुआ कि मैंने फारूक को मना नहीं किया था। सायरा? क्या सायरा, क्या सायरा? तुमने खुद ही तो फारूक को मेरे पीछे लगाया था। आज मैं कह रही हूँ तो मुझ पे हैरान हो रही हो? मैं हैरान इसलिए हो रही हूँ कि तुम कितनी जल्दी जल्दी अपने फैसले बदलती हो यार। जरा आराम से। आगे आराम मुझे। मैं बताऊंगी साकिब को, दुनिया में अकेला ये लड़का नहीं रह गया, और भी बहुत है। तो क्या सोचा तुमने? हम लोग तुम्हारी बराबरी के नहीं है। हाँ उसका अंदाजा मुझे हो गया था जब मैंने तुम्हें ड्रॉप किया था, लेकिन तुम्हें ये बात किसने बोली कि तुम्हें मेरी बराबरी का होना चाहिए? मैं तुम्हारा घर देखना। ग्रेट, चलो। मुझे धोखा तो नहीं दोगे? धोखेबाज लगता हूँ तुम्हें? किसी की शक्ल पे थोड़ी लिखा होता है कि वो धोखेबाज है या नहीं। अच्छा चलो फिर ऐसा करता हूँ कि स्टैम्प पेपर पे लिख के दे देता हूँ मैं धोखेबाज नहीं हूँ। लिख दे, लेकिन मैं पहले तुम्हारा घर देखना चाहती हूँ। तुम जब कहोगे मैं तुम्हें तब पहले जाऊँगा। हैप्पी घर तुम्हारा है? मेरा अपार्टमेंट है। और तुम्हें पता है ये भी मुझे बॉस ने गिफ्ट किया है। तुम्हारे बॉस कैसे इतनी जबरदस्त चीजें दे देते हैं तुम्हें? कितनी अजीब बात है ना, कोई इन्हें खरीद नहीं सकता और वो ऐसी गिफ्ट में दे देते हैं। हर कोई नहीं देता, सिर्फ मेरे बॉस ऐसे। उन्होंने तुम्हें अपना बेटा क्यों बनाया हुआ है? उनका अपना कोई बेटा नहीं है क्या? नहीं, उनकी शादी नहीं। क्यों शादी क्यों हुई उनकी? उनकी मर्जी। मैं उनसे खामखा ऐसे सवाल क्यों करूं जिससे मेरा ताल्लुक ही नहीं है। उनका घर कहाँ है? उनका घर तो कहीं और है, लेकिन वो घर तुम सिर्फ तब देख सकोगी जब हमारी शादी हो। घर नहीं एक्चुअली, इट्स अ हवेली। दुल्हन की तरह सजेगी हवेली। हवेली?
फिल्मों में ही सुना था हवेलियों का। अच्छा छोड़ो हवेली को, ये बताओ कि मेरा घर कैसा लगा तुम्हें? बहुत अच्छा। अच्छा तुम बैठो ना, क्या लोगी, चाय कॉफी? चाय अभी लेके आ। क्या हुआ, सब खैर है ना? हाँ सब खैर ही खैर है। तुम तो फारूक का घर देखने गई थी ना? हाँ बहुत खूबसूरत है फारूक का घर। साकिब और शफक के घर से भी ज्यादा खूबसूरत? हाँ उनसे भी ज्यादा अच्छा। और सबसे अच्छी बात यह कि उसका बॉस उसे बहुत सपोर्ट करता है। एक बात तो मैं मान गई, जब अल्लाह ने किसी के नसीब में पैसा लिखा हो ना तो उसे कोई नहीं रोक सकता, पर अगर किसी के नसीब में पैसा ना हो तो उसे कोई लाके भी नहीं दे सकता। यानी तुम्हारे नसीब में पैसा आने वाला है? हाँ तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। अब देखना मैं साकिब और शफक को बताऊंगी कि पैसा क्या होता है। इसका मतलब कि तुमने फारूक को हाँ कह दिया? तभी तो नहीं कहा। बात करके आ चुकी हूँ। कुछ ही अरसे में हम दोनों निकाह करेंगे, पासपोर्ट बनने के लिए जाएगा, फिर वीजा प्रोसेस में जाएगा और फिर मैं दुबई से शॉपिंग करते हुए अमेरिका जाऊंगी। कुछ नहीं पूछ रही मैं, लेकिन मुझे बस इस बात का यकीन दिला दे कि मैंने आपसे शादी करके कोई गलत फैसला नहीं किया।